बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित उन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी दमदार अदाकारी से भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन पर फिल्माए गए गाने आज भी दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में जो दी है। शायद यही वजह है कि लोग आज भी इनकी फिल्मों को देखना उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको सुलक्षणा पंडित के आज के हालातों के बारे में बताएंगे, जहां आप जानेंगे कि इन दिनों वो कहां है, क्या करती है, कैसी दिखती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई साल 1954 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। वो एक म्यूजिक परिवार से आती है, इसलिए उन्होंने छोटी सी उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने गायन करियर की शुरुआत साल 1967 की फिल्म तकदीर में लता मंगेशकर के साथ लोकप्रिय गीत सात समुंदर पार से गाकर एक बाल गायिका के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने किशोर और हेमंत कुमार जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ गाने रिकॉर्ड किए। हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया और गुजराती में भी उन्होंने गाने गाए। साल 1980 में उन्होंने जज्बात नामक एक एल्बम जारी की, जिसमें उन्होंने गजलें प्रस्तुत की। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे कुशल गायकों के साथ उन्होंने युगल गीत गाए। कम ही लोग जानते हैं कि वो एक शानदार गायिका है। 1975 में आई फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए सुलक्षणा पंडित को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था। आखिरी बार उनकी आवाज सलमान खान, मनीषा कोइराला स्टारर खामोशी द म्यूजिकल में सुनाई दी थी। साल 1975 में फिल्म उलझन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली सुलक्षणा पंडित ने कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम किया है, जिनमें उलझन, सलाखे, फांसी और अपनापन जैसी बेहतरीन फिल्मों के नाम शुमार हैं। 80 के दशक में सुलक्षणा की फिल्मों ने मानो बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया था, जिसमें उनके किरदारों को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। इनकी जोड़ी संजीव कुमार के अलावा राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, जितेंद्र, विनोद खन्ना के साथ भी देखी गई, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला। अब बात करेंगे आज के हालातों के बारे में। तो आपको बता दें कि सुलक्षणा पंडित 67 साल की हो चुकी हैं। एक समय ऐसा था जब सुलक्षणा पंडित सभी के दिलों की धड़कन होती थी, लेकिन उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। आप सभी जानते हैं कि सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को कितना पसंद करती थी, लेकिन जब संजीव कुमार ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना किया तो सुलक्षणा पूरी तरह से टूट गई। संजीव कुमार के इनकार के बाद सुलक्षणा अपने दिल पर किसी और को बसा ना सकी और काफी डिप्रेशन में चली गई। इतना ही नहीं, जब संजीव का निधन हुआ तो उसके बाद तो सुलक्षणा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। सुलक्षणा पंडित की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उन्हें पागलखाने में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी बहन विजेता पंडित ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अब पहले से काफी ठीक हैं। इन दिनों वो अपनी बहन विजेता के साथ उनके घर में ही रहती हैं। एक बार वो बाथरूम में गिर गई थी, जिसके चलते उनकी हिप बोन टूट गई। उनकी कई सर्जरीज हुई, लेकिन वो आज भी ठीक से चल नहीं पाती। वो एक कमरे में अलग रहती है और खुद को दूसरों से भी अलग रखती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभिनेत्री सुलक्षणा के इन हालातों के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।